नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर तेज हुई सियासत, तो केंद्र सरकार पर कैसे भड़की कांग्रेस। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, ये वो जगह है जहां भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंतिम सांस ली थी। उनकी यादों को संजोने के लिए इसे नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी नाम दिया गया था, लेकिन अब इस नाम को बदलकर प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम सोसाइटी कर दिया गया है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी की बैठक में ये अहम फैसला लिया गया, जिसकी अध्यक्षता सोसाइटी के उपाध्यक्ष और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। इस फैसले को लेकर कांग्रेस का रिएक्शन भी सामने आया है। कांग्रेस ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा है। जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए लिखा, 59 वर्ष से अधिक समय के लिए नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय बौद्धिक पुस्तकों का घर है। अब से इसे प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी कहा जाएगा। पीएम मोदी भारत के वास्तुकार के नाम और विरासत को तिरस्कृत और नष्ट करने के लिए क्या क्या नहीं करेंगे। वे अपनी असुरक्षाओं के बोझ से दबे एक छोटे कद के व्यक्ति स्वयंभू विश्वगुरु हैं। वहीं पंजाब से कांग्रेस नेता प्रताप सिंह वाजपा ने भी इसे लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इस फैसले के बाद केंद्र सरकार की मानसिकता सामने आती है। ये मैं उसको खड़गे साहब ने बात कही है, मैं उसकी ताईद करता हूं और मैं सीरियसली कंडेम करता हूं कि हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जो एक फ्रीडम फाइटर थे, जिनका नुमाया रोल था इस महान देश को आजादी दिलाने के लिए, जिन्होंने 16-17 वर्ष अपनी जवानी के जेलों में काटी अपने देश को आजाद करने के लिए, उनके जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके नाम बदले जाएं, मैं समझना ये अच्छी रीत नहीं है। ये अच्छी एक जो हिंदुस्तान का बेसिक कैरेक्टर है कि ऑपोजिशन जो देखो ये लीडर्स जो होते हैं ये सारे देश के सांझे, प्राइम मिनिस्टर डज नॉट बिलोंग टू वन पार्टी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे स्टेट्समैन को, ही वॉज नॉट ओनली अ प्राइम मिनिस्टर, ही वॉज अ स्टेट्समैन, ही वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर्स, वर्ल्ड लीडर, थर्ड वर्ल्ड के ही वॉज द टॉप लीडर ऑफ द थर्ड वर्ल्ड, ही वॉज रिस्पेक्टेड बाई ऑल वर्ल्ड लीडर्स। उनके आप नाम बदलोगे तो रोक तो कोई इनको सकता नहीं, मगर ये बिल्कुल ठीक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कही कि इनकी जो मानसिकता है नेशनल गवर्नमेंट की वो सामने आती है, ये किसी को बर्दाश्त ही नहीं करते। और इनका छोटा भाई जो है पंजाब वाला वो सेम, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ये दे आर टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। ये भारतवाज का कहना पंजाब में इलेक्शन ना लड़ो है भारतवाज, तेरे कहने पर हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस नेताओं के अलावा अन्य विपक्षी दलों ने भी इस फैसले को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। सीपीआई के डी राजा ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यही तो आरएसएस का एजेंडा है जो देश का इतिहास बदलना चाहता है। उन्होंने कहा कि भारत के लोग जानते हैं कि देश की आज़ादी में आरएसएस का कोई योगदान नहीं है, ये उनकी ओर से कोशिश है कि देश का नया इतिहास लिखा जाए और अपना अलग नैरेटिव गढ़ा जाए। आधुनिक भारत के इतिहास में आरएसएस का कोई योगदान नहीं था। नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे और उन्होंने योजना आयोग बनाने से लेकर राष्ट्रीय संस्थाओं के विकास तक में योगदान दिया था। वहीं आरजेडी लीडर मनोज झा ने कहा कि नेहरू पीएम पद के लिए महात्मा गांधी की पसंद थे, वो हिंद के जवाहर थे और आधुनिक भारत के शिल्पकार थे। इस सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि नेहरू की यादों को खत्म नहीं किया जा सकता। नेहरू आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके लोकतांत्रिक मूल्यों से आज भी ये सरकार डरती है। ये सरकार नेहरू के विचारों को संसदीय लोकतंत्र के रक्षक के तौर पर देखती है, इसलिए उनसे डरती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।